हरियाणा पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाए जा रहे हैं। जिला पुलिस ने पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया के मार्ग निर्देश में हृदय परिवर्तन कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में LNJP अस्पताल की मनोचिकित्सक डॉक्टर सरोज बाला, आयुष विश्वविद्यालय के डॉक्टर मोहित शर्मा ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित सेमिनार में बोलते हुए उप पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद ने कहा कि नशा एक ऐसी बुराई है जिससे इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। नशा करने वाला व्यक्ति न केवल अपना बल्कि पूरे परिवार का जीवन खराब कर देता है। इस बुराई को खत्म करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है। जब पूरा समाज नशे के खिलाफ एकजुट होगा तभी इस बुराई को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नशे का कारोबार करने वालों की सूचना पुलिस विभाग के मोबाइल नंबर 7497-85327 पर दें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। सेमिनार में LNJP अस्पताल की मनोचिकित्सक डॉक्टर सरोज बाला ने कहा कि नशे से शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी नुकसान होता है, रिश्ते खराब होते हैं तथा समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा खराब होती है। उन्होंने कहा कि इच्छा शक्ति से नशे को छोड़ा जा सकता है। नशे की शुरुआत खुद से होती है, बाद में व्यक्ति नशे के अधीन हो जाता है। हमें देश प्रदेश और समाज को नशा मुक्त करना है। अगर हमने स्वस्थ समाज की स्थापना करनी है तो सबसे पहले युवा पीढ़ी को नशे से बचाना होगा। सेमिनार में आयुष विश्वविद्यालय के डॉक्टर मोहित शर्मा ने बताया कि आयुष विश्वविद्यालय में भी नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा है। जो भी व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है वो संपर्क कर सकता है। योग अध्यापक योगेंद्र ने प्राणायाम के माध्यम से कैसे हम नशे की लत को छोड़ सकते हैं इस पर प्रकाश डाला। सेमिनार में नशा मुक्ति केंद्र लाडवा के संचालक धर्मवीर ने भी नशा छोड़ने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया। सेमिनार में स्वच्छ भारत मिशन के सदस्य अधिवक्ता कुलदीप भारती ने भी अपने विचार साझे किए। सेमिनार में बक्तला से चरणजीत सिंह ने अपने विचार रखे तथा नशा मुक्त अभियान में पुलिस प्रशासन का हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सेमिनार में नशा छोड़ चुके युवाओं ने भी अपने अनुभव साझा किए। यमुनानगर के विक्रम और पेहवा वासी योगेश कुमार ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि शौक से शुरू हुआ नशे का सफर कब अवसाद बन गया उन्हें पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा कि नशे की लत के दौरान उन्होंने अपना जीवन लज्जा और शर्मिंदगी से भरा जिया है। नशा छोड़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जीवन कितना सुंदर है और उन्होंने नर्क की जिंदगी जी है। उन्होंने कहा कि नशा छोड़ना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। व्यक्ति प्रयास करे तो नशे को छोड़ा जा सकता है। सेमिनार में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े व्यक्ति, पुलिस कर्मचारी तथा जिले भर से आए काफी संख्या में युवा मौजूद रहे। मंच का संचालन पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार सागवान ने किया। क्या बताएंगे आपके चैनल के माध्यम से? पहले तो मैं कुरुक्षेत्र वासियों को सभी को नया साल की बधाई देता हूँ। आज हम पुलिस लाइन में हृदय परिवर्तन का हमने वो अभियान जो 21 तारीख से लेके 31 तारीख तक हमारे DGP साहब के दिशा निर्देश अनुसार तो हम पूरे हरियाणा में ये चालू था। तो आज कम से कम हमने 200 के करीब जो ड्रग एडिक्टेड संस्थान वालों और जो नशा मुक्ति केंद्र जो चला रहे हैं उनको पुलिस लाइन में निमंत्रण दिया था। तो उनकी मीटिंग ले गई थी, उनको ड्रग डॉक्टर हॉस्पिटल से डॉक्टर सरोज बाला और आयुष विभाग से डॉक्टर बुलाए गए थे। तो उन्होंने भी अच्छे अपने विचार रखे। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मतलब जो नशा के आदि हो चुके हैं कृपा उन अपना इलाज कराने के लिए हमें कॉन्टैक्ट करें, हम उनका फ्री में इलाज कराएंगे, हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराएंगे। तो मैं यही प्रार्थना करूँगा कि जो नशा बेच रहे हैं कृपा हमें उनके बारे में दें ताकि उन पर हम नकेल कर सकें और हम अपने युवा पीढ़ी को सुधार सकें। धन्यवाद। क्या बताएंगे? नमस्कार जी, आज हमारे कुरुक्षेत्र जिला में पुलिस लाइन में DSP सुभाष चंद्र जी ने हृदय परिवर्तन कार्यक्रम रखा था जो नशा मुक्त अभियान के माध्यम से रखा गया था। तो उस माध्यम में काफ़ी NGO और संस्थाओं के जो डॉक्टर साहबान ये सारी टीम इकट्ठी की गई थी जिसमें इन्होंने नशा मुक्त अभियान चलाया है भी नशा करने वाले व्यक्ति की हेल्प कैसे की जा सकती है और जो नशा कर रहे हैं उनको कैसे हम सर्वे करके पकड़ सकते हैं। तो मैं अपने माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग नशा कर रहे हैं उन लोगों को नशा छोड़ने के लिए कैसे मोटिवेट किया जा सकता है और कैसे उन लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं उन लोगों की, और
सबसे बड़ी बात हम जो हम एनजीओ वाले जो हम संस्थाओं के मालिक हैं, हम ये चीज़ करने के लिए पहले नंबर पे पंजाब हरियाणा हिमाचल में हम पहले नंबर पे रहते हैं कि कोई भी बच्चा नशा कर रहा है तो हमारी सोच ये रहती है। कुछ टाइम पहले हम भी यही चीज़ों में से निकले हैं, तो परमात्मा की कृपा से ये आज के दिन हमारे पास हर तरह की सेटिस्फेक्शन है, किसी चीज़ की परमात्मा की कृपा से कमी नहीं है। तो हमारी सोच यही है हर दिन भी नशा छुड़वाना कैसे है। तो मेरे साथ खुद अभी 10-15 बंदे आए हुए हैं जिन्होंने नशा छोड़ा हुआ है और उनका छुड़वाया मैंने कैसे है, काउंसलिंग करके, सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग करके, और ये नशा छोड़ा जा सकता है, बहुत सिंपल रास्ता है। तो बाकी आप डीएसपी साहब सुभाष चंद जी को भी मैसेज कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा, ये पुलिस डिपार्टमेंट में शायद ये ऐसे ऑफिसर होते हैं जिन्होंने ये अच्छा बीड़ा उठाया है कि मैं हर व्यक्ति की मदद करना चाहता हूं। और सबसे बड़ा मैसेज उनका ये है, व्यक्ति पंजाब का हो, हरियाणा को, कहीं का भी हो, तो मैं ये इस चीज़ की हेल्प करूंगा कि कोई बंदा नशा छोड़ना चाहता है तो डीएसपी सुभाष चंद जी को कॉल कर सकता है, उनका नंबर मेंशन किया जाएगा। थैंक यू। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।